दो मतला एक शेर पहले मोमिन के लिए अदादारों के लिए, क्योंकि इस्तकबाल याम अज़ा के हिसाब से शेर देखेंगे कि हो आज़ादार तो कुछ सोच समझ कर मांगो। शेर देखेंगे कि हो आज़ादार तो कुछ सोच समझ कर मांगो, हौज़े कौसर नहीं अशकों का समंदर मांगो। हो आज़ादार तो कुछ सोच समझ कर मांगो, हौज़े कौसर नहीं अशकों का समंदर मांगो। और दूसरा मतलब देखेंगे कि खुल्द मांगो न इरम मांगो न कौसर मांगो, खुल्द मांगो न इरम मांगो न कौसर मांगो, अपने अल्लाह से हुर जैसा मुकद्दर मांगो, अपने अल्लाह से हुर जैसा मुकद्दर मांगो, अपने अल्लाह से हुर जैसा मुकद्दर मांगो। सलवात पढ़ें आप हजरात, मर्ज़ियत पढ़ दें। एक और सलवात पढ़ें आप हजरात, एक मतला एक शेर और देख लें कि जैदी साहब देखेंगे कि हाँ मतलब समझदार यही हैं कि जिसने माँ बाप की हर गाम इताअत की है, जिसने माँ बाप की हर गाम इताअत की है, उसने हर लम्हे में सदियों की इबादत की है, उसने हर लम्हे में सदियों की इबादत की है। और मर जाए वक्त को जो लोग बुरा कहते हैं, मर जाए वक्त को जो लोग बुरा कहते हैं, कौले मासूम से उन सब ने बगावत की है, कौले मासूम से उन सब ने बगावत की है, कौले मासूम से उन सब ने बगावत की है। मर जाए वक्त को जो लोग बुरा कहते हैं, कौले मासूम से उन सब ने बगावत की है, कौले मासूम से उन सब ने बगावत की है। सलवात पढ़े आप हजरात, तो कुछ और सुना देता हूँ। शेर देखेंगे एक मतलब दो तीन शेर देखेंगे, और माजरत के साथ किसी हजरात को बुरा भी लगे तो माजरत चाहता हूँ। मेरी आदत है पढ़ना, बहरहाल पढ़ता हूँ कि जश्न हैदर का कुछ इस तरह मनाया जाए, जश्न हैदर का कुछ इस तरह मनाया जाए, जलने वालों को ज़रा और जलाया जाए, जलने वालों को ज़रा और जलाया जाए। और ये शेर बतौर ख़ास देखें कि दुश्मने आल पे वाजिब है जहन्नम जाना, दुश्मने आल पे वाजिब है जहन्नम जाना, चाहे पहलू में पैगंबर के सुलाया जाए, चाहे पहलू में पैगंबर के सुलाया जाए। दुश्मने आल पे वाजिब है जहन्नम जाना, चाहे पहलू में पैगंबर के सुलाया जाए। और मौलाना साहब बतौर ख़ास देखेंगे शोरा हज़रात से माजरत के साथ कि अब तजारत के लिए मजलिसें और महफिल हैं। शेर देखेंगे, अब तजारत के लिए मजलिसें और महफिल हैं, नाम हैदर पे फकत माल कमाया जाए, नाम हैदर पे फकत माल कमाया जाए। अब तजारत के लिए मजलिसें और महफिल हैं, नाम हैदर पे फकत माल कमाया जाए। और हम मुहिब कैसे हैं खुद देखें गरीबा अपना, हम मुहिब कैसे हैं खुद देखें गरीबा अपना, बाद में गैरों पर फिर उंगली उठाया जाए, बाद में गैरों पे फिर उंगली उठाया जाए। और ये भी शेर देखें कि नाम हैदर के करोड़ों हैं ज़माने में मगर, नाम हैदर के करोड़ों हैं ज़माने में मगर, कोई भी साहिब किरदार दिखाया जाए, कोई भी साहिब किरदार दिखाया जाए। और नूर चेहरे का बता देगा अली वाला है। शेर देखेंगे मौलाना साहब, नूर चेहरे का बता देगा अली वाला है, इन चिरागों को ज़रा फिर से बुझाया जाए, इन चिरागों को ज़रा फिर से बुझाया जाए। नूर चेहरे का बता देगा अली वाला है, नूर चेहरे का
बता देगा अली वाला है, नूर चेहरे का बता देगा अली वाला है। इन चिरागों को जरा फिर से बुझाया जाए। और ये भी देश देखने की, हर कदम जिसका हो बस रब की रजा की खातिर, हर कदम जिसका हो बस रब की रजा की खातिर, जुज अली कोई अगर हो तो बताया जाए, जुज अली कोई अगर हो तो बताया जाए। और ये भी शेर देख लें आखिरी शेर की, कोई हमसर नहीं कौनैन में इस कुनबे का, कोई हमसर नहीं कौनैन में इस कुनबे का, ऐसे वैसों से न इस घर को मिलाया जाए, ऐसे वैसों से न इस घर को मिलाया जाए। और अभी शेर देख लें कि हक बयानी से अली वाला नहीं डरता है, हक बयानी से अली वाला नहीं डरता है, दार पर कितने भी मीसम को चढ़ाया जाए, दार पर कितने भी मीसम को चढ़ाया जाए, दार पर कितने भी मीसम को चढ़ाया जाए। सलवात पढ़े आप हजरात, तो दो एक शेर गदीर के हिसाब से आप लोग समाप्त फरमा लें। हो गए नहीं, एक शेर सुनाए देते हैं, अब सुनाए दें। सलवात पढ़े आप हजरात, बहुत जरूरी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, चंद ज़हमत आपको दे देता हूँ कि बैठिए। मेहंदी भाई बैठो, बैठो फोन की जाओ, सुनिए सलवात पढ़े आप हजरात, सलवात पढ़े हैं मौलाना साहब। देखिए गदीर क्या है बताना बहुत ज़रूरी है, गदीर क्या है बताना बहुत ज़रूरी है, ये बात सामने लाना बहुत ज़रूरी है, ये बात सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और नबी ने किसको बनाया है जानशीं अपना, नबी ने किसको बनाया है जानशीं अपना, ज़माने भर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ज़माने भर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और बुलंद करके अली को नबी ने फरमाया, बुलंद करके अली को नबी ने फरमाया, खुदा का हुक्म सुनाना बहुत ज़रूरी है, खुदा का हुक्म सुनाना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देख लें शेर की, मुकम्मल आज ही दीने खुदा को होना है, मुकम्मल आज ही दीने खुदा को होना है, अली को मौला बनाना बहुत ज़रूरी है, अली को मौला बनाना बहुत ज़रूरी है। सलवात पढ़े आप, भैया आ जाओ।